हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स की। जैसा कि आपको पता है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। सो गाइज, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हम कुछ ऐसी बात करने वाले नहीं हैं कि दिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं या हम कैंडल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। आज कुछ हम अच्छा सीखने वाले हैं जो हम जेन्युइन जनरल इंग्लिश में बात करते हैं, डेली लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने पार्टनर से बात करते हैं, फैमिलीज में बात करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एक टॉपिक लिखा हुआ है दिवाली, और उसके बाद कुछ आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी। बट उससे पहले, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे पूछती हूँ, अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ आर यू डूइंग। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। हो सकता हो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, क्योंकि दिवाली आने वाली है। हम लोग शॉपिंग भी करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं सो दैट हम आने वाले टाइम की तैयारी कर सकें। बट अगर आप सेम क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो आई एम ऑल्सो डूइंग फिंटेस्टिक। कोई भी काम आपको लगता हो कि आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फिंटेस्टिक। सो गाइज, कम टू द बोर्ड, बोर्ड की बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ। हम कोई टिपिकल वर्ड्स अभी नहीं सीखेंगे। अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली पर हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट हम बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं जिसे हम टिपिकल इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बट गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप अपने सीखने की शुरुआत वहाँ से करिए जहाँ आपको चीज़ें आसान लगती हों। अगर आप टफ़ चीज़ें सीखेंगे तो शायद आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि टफ़ चीज़ें अक्सर हमें जल्दी समझ में नहीं आती, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम अभी ईजी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियोज़ में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बिगनिंग हमने की थी अपनी स्पोकन इंग्लिश की, एंड आई होप कि आपने इंग्लिश बोलना शुरू भी कर दिया होगा। चाहूँ तो मैं आपको इंग्लिश में ही सब कुछ, पूरी क्लास इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकती हूँ, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, उसको सीख पाएँ। देखते हैं, आपको बोलना है दिवाली आ रही है, ठीक है, तो हम अंग्रेजी में उसको कैसे बोलेंगे। हो सकता हो आप अंग्रेजी में अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप बोलेंगे दिवाली इज़ कमिंग। बट गाइस, कमिंग का मतलब होता है वो अपने पैरों से नहीं आ रही है। हम एक एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि भाई दिवाली आने वाली है। अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम ज़्यादातर इंग्लिश गलत बोलेंगे, बट हमें फील करना है, हमें एग्जैक्टली उसको समझना है कि उसका सेंस क्या है। तो अगर आप बोलेंगे दिवाली आने वाली है, तो आप बोल सकते हैं दिवाली इज़ नियर। नियर का मतलब होता है पास में, एंड हियर का मतलब होता है यहीं पर। हियर का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, शायद आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो। हेयर को हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एच ए ई आर, हेयर। हेयर का मतलब हो गया सुनना। स्पेलिंग अलग है, लेकिन हमारा इसका प्रोनंसिएशन सेम ही होता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। छोटे छोटे से ये चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा सा डाउन कर देती हैं। हम बोलने से पहले सोचने लग जाते हैं कि भाई हेयर बोलेंगे तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा होता है सुनना, एच ए ई आर, ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ एच ई आर ई, हेयर। हेयर का मतलब होता है यहीं पर, जैसे माई फोन इज़ हेयर, मेरा फ़ोन यहीं पर है, माई फोन इज़ हेयर। माई मदर इज़ हेयर, मेरी मम्मा भी यहाँ पर रही हैं, घर पर रही हैं। My mother is here. My students are sitting and they are here. मुझे बताना है मेरे students यहीं पर हैं, यहाँ पर, here, वहाँ पर, there. ठीक है, here and there की क्लास हम बाद में सीखेंगे, अभी एक आइडिया ले लेते हैं। मेरे पास है तो here, दूसरे के पास है तो there. पास में है here और दूर है तो there. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारा place की बात करना। एक होता hair, hair मतलब बाल, उसकी भी स्पेलिंग देख लेते हैं गाइस, एच ए आई आर। एक हेयर हो गया हमारा बाल, जो हमारे बाल हैं उनको बोलेंगे हम हेयर। सो गाइस, अभी जो हमने बात की वो हमने प्लेस की बात की है। यहाँ पे दिवाली इज़ नियर हेयर, दिवाली बस आने ही वाली है, दिवाली इज़ नियर हेयर। तो आप किसी को भी आपको बोलना हो कि भाई दिवाली आने वाली है, दिवाली इज़ नियर हेयर। आपको बोलना हो बर्थडे आने वाला है, बर्थडे इज़ नियर हेयर। सो गाइज, अभी क्या है, हमें क्या है, हमें रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, हमें उस चीज़ को सीखना है। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ रट नहीं रहे हैं। आपको यूज़ करना सीखना है, ताकि आप अपने ग्रामर में भी यूज़ कर सकें, आप अपने बोलने में भी यूज़ कर सकें। किसी भी फेस्टिवल की आपको बात करनी है, क्रिसमस आने वाला है,
क्रिसमस इज नियर हियर, मान लेते हैं 4-5 दिन बाद हमारा कोई भी फेस्टिवल आने वाला है, तो आप बोल सकते हो नियर हियर। बट अगर हम अभी होली की बात करेंगे तो होली आने में 1 साल बाकी है, या हम किसी ऐसे फेस्टिवल की बात करें जिसमें लंबा समय हो, तो वहाँ पे हम नियर हियर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारे अभी आने वाला नहीं है। आने वाले का मतलब हो गया 10-15 दिन में आने वाला हो, 15 दिन 20 दिन बस, डेट्स ऑल। 15 दिन 20 दिन के अंदर हम बात करेंगे कोई भी चीज़ आने वाली है, नियर हियर। मैंने बोला आपको कि मान लेते न्यू ईयर आने वाला है, 15 दिन बाद न्यू ईयर है, और मुझे न्यू ईयर की बात करनी है, तो मैं बोलूँगी न्यू ईयर इज़ नियर हियर। ठीक है, तो इसके और भी तरीके हैं जो हम दूसरे तरीकों से बता सकते हैं, बट अभी कुछ नया सीखते हैं, ईजी सीखते हैं। दिवाली इज़ नियर हियर, आपने अपने फ्रेंड से बोला भाई दिवाली आ रही है, दिवाली इज़ नियर हियर, तो मैं बोलूँगी आपको हाँ हाँ दिवाली तो आ ही रही है, यस दिवाली इज़ नियर हियर। बट दिवाली का फेस्टिवल ऐसा होता है कि लाइन से बहुत सारे त्यौहार होते हैं। धनतेरस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 9 देवियाँ, उसके बाद तुरंत ही हमारे आ जाता है दशहरा, दशहरे के बाद फिर हमारे और भी फेस्टिवल्स आते हैं, फिर हम धनतेरस भी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, गोवर्धन पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं, इसके अलावा हम भाई दूज भी करते हैं। सो गाइस बहुत सारे, आपको लगता हो कि हमें छुट्टियाँ 3-4 दिन की लगातार मिलने वाली हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन अ रो। मेरा आपको सिखाने का पर्पस है इन अ रो, कोई भी चीज़ लाइन से होना इन अ रो। जैसे मैंने बोला कि भाई छुट्टियाँ लाइन से, मतलब 4-5 छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, तो द वेकेशंस आर इन अ रो। आपको केवल इसका यूज़ करना सीखना है इन अ रो का, कोई भी चीज़ हो लाइन से हो तो आप बोल सकते हो इन अ रो। अब मान लेते हैं मेरे घर में 3-4 शादियाँ हैं और 2-3 दिन के गैप में हैं, भाई ताई जी के घर पे है, फिर चाचा जी के घर पे है, फिर मेरे अपने भाई की शादी है, तो मैं बोलूँगी कि पार्टीज़ आर इन अ रो। ठीक है, आपको सेंस समझना है इन अ रो का, मतलब लाइन से होना कोई भी चीज़ इन अ रो, पार्टीज़ आर इन अ रो। जैसा कि दिवाली फेस्टिवल्स लाइन से होते हैं, ऑफिस से भी हमें छुट्टियाँ मिल जाती हैं, स्कूल से भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, और हमें हमारा मतलब मूड जो होता है एक फेस्टिव मूड हो जाता है, तो हम बोलेंगे फेस्टिवल्स आर इन अ रो, या आप देयर से भी बता सकते हैं देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन अ रो। तो गाइज आप इसका यूज़ करना सीखिए, कोई भी चीज़ लाइन से बहुत सारी हो तो इन अ रो बोल सकते हैं, कोई फेस्टिवल हो, कोई छुट्टी हो, या पार्टीज़ हो, या कोई अकेजन्स हो, इवेंट्स हो। अब मान लेते हैं आपकी मीटिंग्स हैं ऑफिस में, आपको बोलना है कि भाई मेरी मंडे ट्यूसडे वेनसडे लगातार मीटिंग्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि माई मीटिंग्स आर इन अ रो, माई मीटिंग्स आर इन अ रो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बोला देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन अ रो, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, मैंने आपकी बात को हामी भर दी कि भाई दिवाली आने वाली है, मैंने बोला यस बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। मैंने आपको अपने बारे में बताया, आई विल बाय दिया, दियास का देख लेते हैं क्या है ये। मैंने अभी सोचा था कि मुझे आपको बताना है, अगर एक दिया परचेज करेंगे तो हम उसको अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंग्लिश में आनी चाहिए, बट एग्जैक्टली हम उसको बोलेंगे तो शायद वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी यूट्यूब पर, बट मैंने देखा कि वो लोग तो केवल ऐसी इंग्लिश सिखा रहे थे जो हमें समझ में ही नहीं आएगी, और शायद आपके बच्चे या आप या हाउसवाइफ्स कोई भी उसको देखेंगे तो इंग्लिश तो उन्हें समझ आ जाएगी, या तो बोलना नहीं आएगा या वो भूल जाएंगे। सो गाइस हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सीखनी जो हम भूल जाएँ, जो हमें टाइम पर बोलने में ही ना आए। तो आप यूज़ करेंगे दिया, दिया को हम दिया ही बोलेंगे या दीपक बोलेंगे, बट इसकी जगह हमें इसको इंग्लिश में नहीं बोलना है, वो फीलिंग्स भी नहीं आती और हम किसी के सामने बोल भी नहीं पाते, क्योंकि जो हमारा हेजिटेशन सिस्टम होता है वो हमारे हमें रोक देता है कि भाई ये मत बोलना सामने वाला मजाक बनाएगा, तो हमें वो चीज़ बोलनी ही नहीं है जो सामने वाला हमारी मजाक बनाए, उसको समझ भी ना आए और हम बोल भी ना पाए। दिया एक खरीद रहे हो तो दिया, और बहुत सारे खरीद रहे हैं तो दियाज। ठीक है, मैंने बोला आई विल बाय दियाज, मैंने एग्जाम्पल में बोल दिया भाई मैं तो दिए खरीदने वाली हूँ, आई विल बाय दियाज। तो आपने मुझे सजेशन दी, एक छोटा सा प्ले है ये, आपने मुझे सजेशन दी भाई आपको कैंडल्स भी खरीदनी चाहिए, कैंडल्स भी खरीदनी चाहिए। ठीक है, यू शुड ऑल्सो बाय कैंडल्स।
ठीक है, ये चार लाइंस हो गई हमारी। हमने बात की दिवाली इज नियर हियर, तो मैंने आपको बोला यस देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन अरो, आई विल बाय दियाज, तो आपने मुझे सजेशन दी यू शुड ऑल्सो बाय कैंडल्स। ठीक है, अब प्लानिंग्स की बात करते हैं गाइज। हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दिवाली पे करने वाले हैं, हो सकता हो आपकी प्लानिंग्स कुछ डिफरेंट हो, आप पार्टी करने वाले हों, आप अपने ट्यूशन मेट स्कूल मेट्स या अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय भी करने वाले हो, उन्हें इन्वाइट करने वाले हो, उसी की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये सर्कल्स में दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ एक्शंस हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो एग्जैक्टली नहीं सोच पाते, जो एग्जैक्टली उन्हें एक्शंस को अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। पहला देख लेते हैं, क्लीन द हाउस। मैंने बोला आई विल क्लीन द हाउस, तो आप बोलेंगे भाई आपको पार्किंग भी क्लीन करनी चाहिए, यू शुड ऑल्सो क्लीन पार्किंग। दो लाइन की प्रैक्टिस करनी है हमें। मैंने बोला आई विल पेंट माई हाउस, मैं अपने रूम में खुद पेंट कर लूँगी, आई विल पेंट द हाउस, तो आप बोलेंगे आपको अपना किचन भी पेंट करना चाहिए, यू शुड ऑल्सो पेंट योर किचन। आई विल ड्रॉ द रंगोली, रंगोली रंगोली को बनाना, ड्रॉ भी बोल सकते हैं और आप मेक भी बोल सकते हैं, डी आर ए डब्ल्यू। मैंने बोला आई विल मेक रंगोली, तो आप बोलेंगे यू शुड ऑल्सो मेक कैंडल्स, यू शुड ऑल्सो मेक ड्राइंग, यू शुड ऑल्सो मेक द क्राफ्ट। आपको क्राफ्ट में घर पे ही आपको बना लेनी चाहिए, कैंडल्स बना लेनी चाहिए, डेकोरेटिव जो आइटम्स होती हैं लड़कियाँ अक्सर बनाती हैं, यू शुड ऑल्सो मेक क्राफ्टिंग। मैंने बोला भाई मैं तो बड़ों की ब्लेसिंग्स भी लूँगी, आई विल टेक ब्लेसिंग्स। मैंने बोला आई विल टच फीट्स, क्योंकि हम फेस्टिवल्स पे हमारा इंडियन कल्चर में आता है कि हम पैर छू कर हम ब्लेसिंग्स लेते हैं बड़ों की, तो हम बोलेंगे टच द फीट, पैर छूने बड़ों के, आई विल टच द फीट। वर्शिप करना, पूजा करना जो हमारा सबसे मेन पार्ट है, प्रे भी बोल सकते हैं, आई विल ऑल्सो प्रे। आई विल ऑफर प्रसाद, प्रसाद प्रसाद को प्रसाद ही बोलेंगे, अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलना आपको। अगर आपने ऑफर द प्रसाद की जगह अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कर दिया तो उसको समझ नहीं आएगा सामने वाले को, और आप भी डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि एग्जैक्टली मैंने क्या बोल दिया, शायद गलत बोल दिया या सही बोल दिया, तो हमें वो नहीं बोलना है, अवॉइड करना है जो हमें नहीं बोलना आता। फायर द क्रैकर्स, अब मैंने बोला आई विल फायर द क्रैकर्स, मैं तो पटाखे भी जलाऊंगी। सो गाइज, अभी हमारा पॉल्यूशन का काफ़ी लेवल बढ़ता ही जा रहा है टाइम टू टाइम, तो आप मुझे सजेशन देंगे कि भाई आपको क्रैकर्स या पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, तो आप बोलेंगे शुड, यहाँ पे हमारा यूज़ हो जाएगा, यू शुड नॉट फायर द क्रैकर्स, आपको पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। सॉरी, बियर क्लीन क्लोथ्स। एग्जैक्टली फेस्टिवल्स पे हमारा पर्पस नहीं है कि हम नए कपड़े ही पहने, हमें एग्जैक्टली क्लीन पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कोई भी फेस्टिवल ये डिफाइन नहीं करता कि आपको नए कपड़े ही पहनने चाहिए, एग्जैक्टली कोई भी फेस्टिवल ये डिफाइन करता है कि आज का जो दिन है किसी एक पर्टिकुलर मुहूर्त के लिए सूटेबल है, या वो मुहूर्त अच्छा है, या वो दिन अच्छा है, उस दिन नक्षत्र अच्छे हैं, तो आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर में पूजा कर सकते हैं या प्रे कर सकते हैं। सो गाइज, बियर क्लीन क्लोथ्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो नए कपड़े नहीं खरीद पाते, तो हमें नए कपड़ों की बात नहीं करनी है यहाँ पे। यू शुड बियर क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे आपको कपड़े पहनने चाहिए, कोई भी पहन सकते हैं। सो गाइज, अभी हमने दिवाली की बात की, आप कार्ड्स भी बना सकते हैं। कार्ड्स इसके अलावा हो सकता हो आपने और भी एक्शंस प्लानिंग किए हों जो आप दिवाली पे करने वाले हों, तो आपको उसी के बारे में बात करनी है दो लोगों से। आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे दिवाली इज़ नियर हियर, तो मैं बोलूँगी यस देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन अरो। अब इसके बाद काम आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैंने राइट लगाया है। आपको यहाँ पे बताना है कि आप क्या क्या करने वाले हैं। आप कैंडल्स परचेज करोगे, आप ड्रेसेस परचेज करोगे, आप घर क्लीन करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के घर जाओगे, आप कार्ड्स बनाओगे, आप इनविटेशन दोगे, आप पार्टी अरेंज करोगे, जो भी आपको करना है बता सकते हैं, और सामने वाला आपको सजेशन दे देगा कि भाई आपको ये भी करना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो आउट एज कोविड 19 इज़ गोइंग ऑन।
कोविड-19 सब जगह फैला है, तो आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए. यू शुड अवॉइड गोइंग आउट ऑफ द हाउस. आपको बाहर नहीं जाना चाहिए. यू शुड नॉट गो टू मार्केट. आपको दिया खरीदने चाहिए. यू शुड परचेज दियाज. आपको नए कपड़े पहनने चाहिए. यू शुड वियर न्यू क्लोथ्स. इसके अलावा और भी आप एक्शंस अपने बारे में बता सकते हैं. बहुत सारी इंग्लिश है, बहुत कुछ सीख सकते हैं. इसका एडवांस लेवल अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल मेक अ परफेक्ट वीडियो जिसमें हम एडवांस लेवल की बात करेंगे. अभी ये बिगनिंग है, इसके बारे में बात करिए. इसको बोलना सीखिए. हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो बोलेंगे कि मैम मुझे ये सब कुछ आता है. बट गाइज, आने से हमें कुछ नहीं होता, हमें आता बहुत कुछ है. मेन मैटर करता है कि आप बोलते कितना है. अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी टंग ट्रेनिंग होगी, आप उसको बोलना स्टार्ट करेंगे. दिस इज ऑल, दिस इज एंड ऑफ द क्लास. वी विल बी मीटिंग टुमारो. हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.